तो हेलो गाइस, तो आज हम बिल्कुल ही एक सिंपल तरीके का फ्रेम बनाने वाले हैं, जो कि आप मेरे पास देख रहे हो। एक मेरे पास जहाँ वीर बाबा का फ़ोटो है गाइस, तो हम इसको बिल्कुल ही सिंपल तरीके से करने वाले हैं गाइस। आप भी क्यों इसी भी यानी घर पे भी हो, तब भी आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो गाइस। तो जो आप देख रहे हो वो बोर्ड है MDF बोर्ड, आप MDF बोर्ड की जगह या कोई भी गत्ता बत्ता ले सकते हो गाइस। और ये फ़ोटो भी आपको किसी भी दुकान पर मिल जाएगा जहाँ फ़ोटो या कैलेंडर वगैरह बिकते हो गाइस। तो मैं इसको टेप मशीन की मदद से इस पर चिपका लेता हूँ, जैसा कि आप देख रहे हो इस तरीके से मैं इसको चिपका रहा हूँ। और चिपकाने के बाद गाइस एक पोली आती है, जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ किस टाइप की पोली है। और ये आप किसी भी स्टेशनरी की दुकान पर जाकर ये वाला टेप भी आपको मिल जाएगा गाइस। ये लाल कलर का मैंने टेप लिया है, वैसे तो लाल कलर में और ब्लैक कलर का टेप यूज़ करते हैं, बाकी आप एज यू लाइक जो भी आप टेप यूज़ करना चाहो वो कर सकते हो गाइस। तो मैं इस टेप और गाइस पहले मैं ये टेप आपको लगा के दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको ये टेप लगाना है। जैसे इसको चारों ओर ये टेप लगाना है, समझ तो आप गए हो गए। मेरी बाकी और वीडियो भी आप देख लेना। जिस ये गाइस जो फ्रेम आप देख रहे हो ना, जिस फ्रेम के अंदर रख के मैं फ़ोटो बना रहा हूँ ना गाइस, ये फ्रेम की वीडियो मैं अपने चैनल पे बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ गाइस। इस फ्रेम में जो है हम एक दिल को फ्रेम करने वाले हैं। वो दिल किस चीज़ का बनवा गाइस, वो थर्माकोल जो होता है, मतलब गद्दी की सीट होती है थर्माकोल, उसको यूज़ करने वाले हैं, मतलब उसका बना हुआ वो दिल है। और जो माचिस की तिल्ली होती है लकड़ी वाली ना गाइस, उसका बना हुआ है वो, जो उसके ऊपर डिज़ाइन है वो माचिस की लकड़ी वाली तिल्ली का करा हुआ गाइस। तो ये जो फ्रेम है, ये फ्रेम हमने उसी के टाइम बनाया था। तो ये अब फ्रेम में हम वाला दिल आके आपको दिखाएंगे, आप हमारी अगली वीडियो में, मतलब कि हमारे चैनल पर जाकर वो आप वीडियो देख सकते हो गाइस। गाइस तो मैंने इसके सार चारों तरफ टेप लगा दिया है, जैसे कि आप देख रहे हो। अब ये थोड़ा बहुत बढ़िया लग रहा है, अब इसको गाइस पोलो में डालते हैं। तो गाइस ये पोली जो है आपको किसी भी कपड़े की दुकान पर या फिर रेडीमेड की दुकान पर भी ये मिल जाएगी, या कोई पन्नी या रस्सी वगैरह बेचता हूँ उन पर भी मिल जाएगी। तो इस तरीके से इसे पन्नी में डालने के बाद ना गाइस, जो इसको ऊपर का स्टिकर होता है उसको छिटा लेंगे, जिससे इसकी चिपकन बाहर आ जाएगी। अब मैं इसको इस तरीके से चिपका देता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो कुछ इस तरीके से मैंने इसको चिपका दिया हूँ। और इधर से जो है मैं इस पर टेप लगा देता हूँ। अगर आपकी पन्नी बड़ी है तो आप टेप लगा देना पीछे से, वरना तो आप जो गत्ता होगा या फोटो होगा उसके साइज की पन्नी ले सकते हो, तो कुछ चिपकाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस ये बनकर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हो गाइस।